Start chapter 2 advanced features of Windows. Windows is a system software. It works as an interface between the user and the computer. Windows एक system software है और इसमें users और computers के between works होता है. It controls the operations of the computer. यह computer में जो भी operations होते हैं उसे control करता है. Some of the features of Windows are as follows. इट इज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम. यह एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है. इट इज मल्टी टास्किंग सॉफ्टवेयर. यह मल्टी टास्किंग सॉफ्टवेयर है. मेनी प्रोग्राम कैन बी ओपन एट द सेम टाइम. इसमें कई प्रोग्राम एक ही समय में ओपन किए जा सकते हैं. इट प्रोवाइड अ कॉमन मेथड फॉर ओपनिंग क्लोजिंग अ प्रोग्राम. यह प्रोग्राम को ओपन और क्लोज करने का कॉमन मेथड प्रोवाइड करता है. एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. और यह फाइल और फोल्डर्स को भी मैनेज करता है. वी मे वर्क विथ माउस एंड कीबोर्ड. हम माउस और कीबोर्ड की हेल्प से वर्क करते हैं. वर्जन्स ऑफ विंडो. वर्जन्स ईयर ऑफ लॉन्चिंग. विंडो 1.0 1985. विंडो 3.1 1992. विंडो 98 1998. विंडो एक्सपी 2001. विंडो 7 2009. विंडो 2.0 1987. विंडो 95 1995. विंडो एमई 2000. विंडो विस्टा 2007 एंड विंडो 8 2012. यूजिंग द टास्क बार. द टास्क बार द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. द टास्क बार इज ऑलमोस्ट ऑलवेज विजुअल. इट हैज थ्री मेन सेक्शन. स्टार्ट बटन, मिडिल सेक्शन और नोटिफिकेशन एरिया. द स्टार्ट बटन, इट ओपन द स्टार्ट मेनू. यहां पर स्टार्ट मेनू होता है. और द मिडिल सेक्शन, इट शो द वेरियस फाइल्स ओपन बाय यू एंड अलाउ यू टू क्विक स्विच बिटवीन देम. यहां पर जो भी फाइल्स हम ओपन करते हैं वो इधर मिडिल सेक्शन में दिखाई पड़ती हैं. नोटिफिकेशन एरिया, इट इंक्लूड्स ए क्लॉक एंड सम आइकन टू शो द स्टेटस ऑफ द प्रोग्राम एंड कंप्यूटर सेटिंग. यहां पर हमें क्लॉक का आइकन शो होता है और कुछ प्रोग्राम्स और कंप्यूटर सेटिंग से संबंधित भी आइकन शो होते हैं. वर्किंग विथ मल्टीपल विंडो. वी कैन यूज द टास्क बार टू वर्क विथ मल्टीपल विंडो एट द सेम टाइम. हम टास्क बार का यूज करके मल्टीपल विंडो को सेम टाइम में ओपन कर सकते हैं. राइट क्लिक ऑन द टास्क बार, टास्क बार मेनू अपीयर. टास्क बार में राइट क्लिक करते हैं तो टास्क बार मेनू अपीयर होता है. उसमें यदि हमें कैस्केड विंडो ओपन करनी है तो कैस्केड विंडो पर क्लिक करते हैं. यदि हमें हॉरिजॉन्टली करनी है विंडो ओपन करनी है तो टाइटल विंडो हॉरिजॉन्टली में क्लिक करते हैं. टाइटल विंडो वर्टिकली करनी है तो हम विंडो वर्टिकली में क्लिक करते हैं. हॉरिजॉन्टली में मीन्स हॉरिजॉन्टली में जो विंडो दिखेगी इस टाइप से रिप्रेजेंट होगी और वर्टिकली में स्टैंडिंग लाइन में यानी खड़ी विंडो हमें दिखाई पड़ेगी. विंडो मीडिया प्लेयर. वी कैन यूज विंडो मीडिया प्लेयर टू प्ले म्यूजिक वीडियो एंड मूवी फाइल्स. इट ऑल्सो हेल्प टू ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया कलेक्शन, कॉपी टू सीडी मीडिया फाइल्स टू अ पोर्टेबल डिवाइस एक्सेट्रा. स्टार्टिंग विंडो मीडिया प्लेयर, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. ऑल प्रोग्राम विंडो मीडिया प्लेयर. प्लेयर लाइब्रेरी, वी कैन एसेस एंड ऑर्गेनाइज डिजिटल मीडिया कलेक्शन यूजिंग प्लेयर लाइब्रेरी. यूजिंग नेविगेशन पैन वी कैन चूज ए कैटेगरी सच एज म्यूजिक पिक्चर्स और वीडियो टू मूव बिटवीन द वेरियस व्यू इन द प्लेयर लाइब्रेरी. बैक एंड फॉरवर्ड बटन में बी यूज. इसमें हम मूव कराने के लिए अपने वीडियो को आगे पीछे करने के लिए बैक और फॉरवर्ड बटन का यूज करते हैं. नाउ प्लेइंग मोड, दिस मोड वी कैन व्यू डीवीडी एंड वीडियो और सी व्हाट म्यूजिक इज करेंटली प्लेइंग. मतलब हमें डीवीडी या कोई अन्य वीडियो का व्यू देखना है तो हम करेंटली प्ले कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेइंग अ म्यूजिक फाइल इन द प्लेयर लाइब्रेरी पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू.